खबरों की नई पहचान। धनबाद लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने नॉमिनेशन करने के बाद किया आम सभा को संबोधित। वहीं आम सभा में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहुंचे और उनके साथ झारखंड सरकार के कई मंत्री मंच पर मौजूद रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का लड़ाई है। धरती को प्रणाम करती हूँ, सिंधु कानू जी को प्रणाम करती हूँ, तिलका मांझी जी को प्रणाम करती हूँ, नीलांबर पीतांबर जी को प्रणाम करती हूँ, सबको मैं नमन करती हूँ और आप सबको मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अब मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ जिनके पद चिन्हों पर चलकर मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। हमारे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, उनको नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, भगवान से मनाती हूँ कि वो मेरा प्रणाम स्वीकार करे, मेरा नमन स्वीकार करे और मुझे आशीर्वाद देने का काम करे। मैं लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि अनुपमा सिंह है कौन, क्या करने आई है, तो मैं अपनी जनता को ये बता देती हूँ कि अगली बार आपसे कोई पूछे तो ये बताइएगा, अनुपमा सिंह महिलाओं के सम्मान के लिए आई है, बच्चों की शिक्षा के लिए आई है, युवाओं के रोजगार के लिए आई है, बुजुर्गों के अस्पताल के लिए आई है और हमारे धनबाद लोकसभा के विकास के लिए आई है। मैं चाहती हूं कि आप लोग सब मिलके इंडिया गठबंधन का समर्थन करें और देश को बदलने की राह में हमारा साथ दें। 10 साल से मेरी महिला, मैं जहां भी जाती हूं महिलाएं यही कहती हैं कि 10 साल से हम इंतजार में हैं कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब हमारा अच्छे दिन आएंगे, कब महंगाई कम होगी, कब रोजगार मिलेगा। आज भी हमारी जनता उसी 10 साल में अटकी हुई है और विकास का इंतजार कर रही है, तो मुझे लगता है कि धनबाद ने मन बना लिया है कि अब उन्हें परिवर्तन चाहिए, चाहिए या नहीं। क्योंकि हमारे माननीय गण लोग आए हैं, मैं उनके सामने आप शब्द नहीं बोल सकती हूँ, वो लोग ही अपने मुंह से आपको सब कुछ बताएंगे। मेरा ये मानना है कि हमारी धनबाद की जनता आज से नहीं, कई सालों से केवल निश्चल छवि वाले ही प्रतिनिधि को चुनती है। जो ऑर्गेनाइजर उसको बोलिए, आप देख लीजिए, आज नहीं एके रॉय जी को देखिए, शंकर दयाल सिंह को देखिए, रीता वर्मा जी को देखिए, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर दुबे जी को देखिए और हमारे आदरणीय पीएन सिंह जी को देखिए। तो मेरा ये मानना है कि मेरी धनबाद की जनता की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है, कोई कुछ भी करे, धनबाद की जनता जानती है कि हमें किसे चुनना है और किसे अपनी आवाज बनाकर दिल्ली भेजना है। चाचा जी, एक आपके लिए मैं बात बता रही हूँ कि निरसा में लोग आपकी पूजा करते हैं, जब मैं वहां गई तो लोग इतने खुश होकर मुझे बता रहे थे कि एक एमपीएल एम्प्लॉय की जब मृत्यु हुई तो नॉर्मली 2-3
लाख रुपए मिलते हैं उन्हें मुआवजा, पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार को 15 लाख दिलाने का काम किया। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा अपनी जनता के लिए तत्पर रहते हैं। बस मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगी कि हमें ये लड़ाई जीतनी है और हेमंत सोरेन जी को जेल से वापस लेकर आना है। क्या आप लोग तैयार हैं उन्हें वापस लाने के लिए लड़ाई में? हम लोग सब तैयार हैं। चलिए अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, हम तो यही बैठे हैं आपके साथ, दोबारा मिलेंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे आपसे। और अंतिम में दोबारा से ये निवेदन करती हूँ कि 25 तारीख को भारी से भारी मात्रा में जाए और हर घर से बुजुर्गों को, युवाओं को भी, महिलाओं को भी, सबको प्रेरित करें कि हमें जाना है, वोट करना है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट करना है। बात करना होगा जिसने हेमंत सोरेन को अपना भाई मान के आपको प्यार दिया। आपको उस संविधान की रक्षा करने वाले लोगों का सम्मान करना होगा जो राहुल गांधी और महागठबंधन के साथ आपके लिए आज खड़े हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना बोलूंगा कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत देकर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताइए ताकि एक महिला जिसने महागठबंधन की लड़ाई लड़ने का प्रण उठाया, एक महिला जिसने आपकी लड़ाई लड़ने का प्रण उठाया, और एक महिला दुर्गा का भी रूप होती है, काली का भी रूप होती है, लक्ष्मी का भी रूप होती है, तो ये ढुल्लू मातों से भी लड़ेंगी, ये ढुल्लू मातों से भी भिड़ेंगी और धनबाद की जनता को सुरक्षित रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, जेल का ताला टूटेगा, छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जय हिंद। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार राज्य सरकार पर तानाशाही कर रही है। एक अलग ही माहौल है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में बैठ गया तब से भारतवासी और प्रदेशवासी को आज जुमला का ही उल्लू का आश्वासन मिला है। सिर्फ 2014 से जो हम लोग सुनते आया है, सिर्फ जो भी योग घोषणा किया भारतीय जनता पार्टी, सब झूठा साबित हुआ, जुमला साबित हुआ। कोई बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा तरीके से देश के प्रधानमंत्री बात को रखने का काम किया था। जनता को लो सवाल करता अच्छा दिन चाहिए कि नहीं, ये बोलता चाहिए, वो अपने नहीं लाने का काम बड़ा तरीका से बात रखा था। आपको 15 लाख चाहिए कि नहीं वाला चाहिए, बोला हम नहीं देने वाला है, लेकिन इस तरह से आपको बड़ा तरीका से ठग दिया। ये लोकतंत्र देश है, आप लोग इस चुनाव में देख सकते हैं, ये 5 साल में एक बार जनता का अपना वोट देने का अधिकार है, मालिक अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वोट से आप जीतते हैं, एक वोट से आप हारते हैं। लेकिन देखिए इंदौर में क्या कर दिया, गुजरात में क्या कर दिया, सारा प्रकार का समाधान लगा के उम्मीदवार को वापस करा देता है, बैठा देता है, निर्विरोध कर देता है। अरे रहने दीजिए ना, जनता फैसला करेगी किसको देगा वोट, नहीं देगा। ये लोकतंत्र पर हत्या करना, लोकतंत्र को रोकने का और प्रयास शुरुआत कर दिया है, ये आप लोगों को समझना है। अरे धनबाद जिला एक कोयलांचल है और आज मजदूर दिवस भी है, या बहुसंख्यक के असंगठित मजदूर है, और वो मजदूर दिवस के दिन में आज हम लोग यहाँ नामांकन सभा करते हैं।
और उस परिवार से आते हैं जो जीवन भर राजेंद्र बाबू ने ट्रेड यूनियन किया है, मजदूर का हक अधिकार के लड़ाई किया है। पूरा धानबाद अंचल नहीं, पूरा टाटा शहर भी किया था उसका नेतृत्व। उनका परिचय, राजनीति का परिचय मजदूर आंदोलन से हुआ है। खुद हम स्वयं मजदूर आंदोलन करते थे, कभी कभी रोड रास्ता पे मिलते थे हम लोग। और इसीलिए हर इस मजदूर दिवस निश्चित रूप से हम कहेंगे आने वाला दिन यहाँ का मजदूर का सम्मान मिलेगा जितना वो संगठित मजदूर है, और संगठित रूप से उसको न्याय मिलेगा। इस धरती से शुरुआत ये जो आज का उम्मीदवार उस वर्ग से आता है, उस परिवार से आते हैं जो उनका वहीं से शुरुआत है राजनीति का जीवन। अगर फिर ऐसा किसी प्रकार का दाग अपना छोटा सा संबोधन आप लोग को बता दे कि हम क्या करने आए हैं, परिचय दिया है। हम लोग इसको नहीं सिखाया, वो अपना मन के बात आप लोग को बता दे कि हम जितने का आप लोग के बीच में क्या करने, क्या काम करेंगे, किस लिए काम करेंगे, किन लोगों के लिए काम करेंगे, बड़ा साफ सुथरा आप लोग को बता दे। आज उन लोग का उम्मीदवार है उसका सारा, चाहे बोकारो जिला हो चाहे धनबाद जिला, उनका सारा हकीक है। सुबह से हम क्या करते हैं, चीज के लिए मैं उन लोग काम करने के लिए आ रहा है। अरे कोई कैंडिडेट कुछ तो होता है बैकग्राउंड के, हम ये काम करना चाहते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने अधिकार नहीं है, जो ये यहाँ से भी उन्हीं लोग का तीन बार लोकसभा में विजयी हुआ। बड़ा जोर से हम लोग सुनते थे, कोई ग्राम है लोग, कोई बस्ती है लोग गोद लिया था। एक किसका था आदेश, देश का प्रधानमंत्री का था। हर एमपी ने एक एक टू गांव गोद लिया है, उस गांव में एक टू ईंटा भी, आधा ईंटा भी नहीं पड़ा। ये तो उन लोग का परिचय है। ये लोग अपना कोई भी कैंडिडेट होता है, कोई उम्मीदवार होता है, वो अपना कुछ बैकग्राउंड दिखाता है, कुछ अपना काम करने का कुछ सोच बताता है। उन लोग जितने भारतीय जनता पार्टी बोलो बोलता है मोदी का गारंटी के लिए वोट दो, अरे कमाल है। जो 2014 से झूठ बोला, जुमला बोला, उसका गारंटी लेके हम वोट देंगे। बाहरे कोई काम नहीं है आपका 5 साल में, यहाँ का अब एमपी बन गया, क्या काम कर दे। ये एक भी वो लोग कहीं ईटा नहीं रखा है, न कोई मजदूर का बात करा, वो लोग का तो वोट भी मांगता है एक ही आदमी, वो जुमला बाज झूठ का राजनीति करने वाला। इसलिए आज मुद्दा को लेके बाहर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने नहीं आ रहा। कभी महंगाई का नहीं बोलता एक शब्द। आज जो 2014 में आप लोग देखे होंगे, बहुत सब महिला को सिलेंडर में लेके बोलता है ये महंगाई हो गया, महंगाई हो गया। जैसा सत्ता में आ गया, एक गाल से 1200 सिलेंडर हो गया। और उस समय तत्कालीन सरकार मनमान के समय वो 400 रुपया से कम थी, और उस समय डीजल भी कम, पेट्रोल का दाम भी कम, उसको महंगाई नजर आ गया। 100 रुपया पार हो गया, उसको महंगाई नजर आया। ये बीजेपी का आज का 10 साल का उनका परिचय। इसीलिए आप सब ने आज फैसला लेना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इतना सही सरकार को रोकना है। हम क्यों कह रहे तानाशाही, क्या लाइन चल रहा है? जिस तरह भाई लोकतंत्र में एक आदमी जो 5 साल में एक बार मौका मिलता वोट देने के लिए, वहां भी इस तरह से लोकतंत्र रोकने का काम करते हैं। बहुत सा साम दम लगा के
किसी को धमकी दे के किसी को पाल तो तरह का वो लोग अपना के बैठा देता है, निर्विरोध करा देता है। अरे भाई 5 साल है और 5 साल में हर आदमी का अधिकार है हम किसको चुनना है नहीं चुनना है, इसीलिए लोकतंत्र पर खतरा पहुंचा रहे। ये केंद्रीय एजेंसी को भी उस तरह से उपयोग कर रहा, उसी क्या जो आप चल जाइए आपका जितना ही आरोप रहेगा साफ साफ सुथरा करके निकलेगा, ऐसा वॉशिंग मशीन रखा है। कोई किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, और आप यदि आप उनका सही बात कहेंगे तो आपका ऊपर बहुत तरह तरह का आपको आरोप लगा के जेल के अंदर रख देगा। ये लोकतंत्र में आप चुना हुआ मुख्यमंत्री आज जेल में चल गया है, देश का झारखंड का मुख्यमंत्री जेल में चला, किसी प्रकार की उसका ऊपर में ना उस जमीन में उसका ना कोई नाम है ना कभी गया है उस जमीन में। उसी तरह का आज बेबुनियाद आरोप देके दिल्ली का मुख्यमंत्री को भी ये जेल में आज रख दिया। जेल में रखने के बाद वो पूछता है क्या किया है, नहीं किया है, कहां गलती किया है। ये लोकतंत्र में इस तरह से नहीं होता है, लोकतंत्र में सबका रहने का अधिकार है। इसीलिए आज ये महागठबंधन ने तय किया कि हमको इस लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। बड़ा मुश्किल से हमारा पूर्वज ने लाखों कुर्बानी दिया है, लाखों पूर्वजों ने, उसका बाद हम लोग को भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र हम लोग को मिला। अब भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान वो हम लोग को संविधान निर्माण कर दिया है ताकि इस देश में आप लोग इस संविधान को मान के लोकतंत्र को आदर करके भारत में एक समांतर रूप से आप लोग रह जाइए। ये आप लोग इस चीज के लिए हम लोग आप लोग के बीच में हम लोग संदेश देने के लिए आए, और हम लोग ये आपकी सरकार जो 2019 में आपने बना के दिया है गठबंधन का सरकार, ये हर गरीब ये जंगल का बीच में जो काम है उस परिवार को भी सरकार की योजना हम लोग पहुंचाने का काम किया है। हर गरीब घर में हम लोग शिक्षा कर दिया, जवाने हम लोग शुरुआत कर दिया है, यहाँ का मजदूर का बेटा बेटी, किसान का बेटा बेटी, गरीब गुरबा का बेटा बेटी घर में भी शिक्षा का रोशनी जले। ये सरकार इसी तौर पर काम करना शुरुआत किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये 10 साल में नहीं बता पाएगा कि हम लोग झारखंड के लिए क्या क्या काम किया है या धनबाद के लिए क्या क्या काम किया है। मात्र उद्देश्य रहा है कि हम देश के जनता को हम जुमलेबाजी में हम झूठा आश्वासन में लोगों का पेट भरें। महंगाई चरम पर है, आप देख रहे हैं जहां जहां भाजपा गठबंधन का सरकार ने वहां हिंदी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम आज जो है महापर्व जो आया हुआ 5 साल के बाद उस पर्व में 25 मई को चुनाव होना है हमारे गिरिडीह और धनबाद में, आप सभी से आग्रह होगा कि महागठबंधन प्रत्याशी को एक एक मत देकर यह बता दीजिए कि भाजपा का जो अच्छे दिन जो लोग बोले थे अब मोदी जी का अच्छा दिन जाने वाला है और इंडिया गठबंधन का आने वाला है। यह धरती में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो से लेकर सारे लोगों ने इस धरती में अपना सहारा दिया है। आज मजदूर दिवस है, हम तमाम मजदूर को कहना चाहते हैं कि मई दिवस के उपलक्ष्य में सभा हो रहा है, इस सभा के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से शिकागो के शहर में जिस तरह से मजदूरों ने अपना त्याग बलिदान दिया था, आज उसी का मजदूर दिवस मनाते हुए हम ये आह्वान करते हैं कि आइए मजदूर किसानों के मान सम्मान के लिए कि इंडिया गठबंधन को एक एक वोट देकर इस राज्य से ही नहीं पूरे देश से आज भाजपा को हटाने का संकल्प लें। इसी संकल्प के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये ऐतिहासिक सभा थी और निश्चित रूप से इनके अनुपमा सिंह जी की जीत होगी।
कोयलांचल के बहुत बड़े नेता इनके ससुर जी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी रहे हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया है कि बेरमो से लेकर धनबाद तक लोग उनके आज भी उनका गुणगान करते हैं। उनके अंतिम यात्रा में हम लोग गए थे, जो जन सैलाब उमड़ा था उसे पता चलता है किस परिवार के प्रति कितना विश्वास है, और उसी विश्वास के आधार पर उनको टिकट मिला है। और इंडिया गठबंधन ने जो टिकट दिया है, पूरी इंडिया गठबंधन आज मंच पर थी उनके साथ, हम सभी उनके साथ हैं, और उनकी जीत 100% निश्चित है। झरिया में जो आग लगी हुई है कोयले के खदानों पर, उसे वो निश्चित रूप से बुझाएंगी, निश्चित रूप से वो कोयले की रॉयल्टी के पैसे लाएंगी, जो कि अभी तक 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया है केंद्र सरकार के पास, और माननीय हेमंत सोरेन जी ने सालों तक प्रयास किया उस पैसे को लाने का, वो नहीं ला पाए, नहीं दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन ये निश्चित रूप से लाएंगी। हम लोगों ने संसद में भी आवाज उठाई थी। मोदी जी जो सब जगह कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ दो चरणों के चुनाव में वोट का परसेंट घटना, ये क्या साबित, इसी से तो भाजपा डरी हुई है। और हमने देखा कि भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने आने वाले दिनों में कौन इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा उसकी भी घोषणा कर दी अपने मुंह से, तो आप समझ सकते हैं उनका डर क्या है। और मंगलसूत्र आ गई, कुछ तो रहा होगा, देखिए मंगलसूत्र तो यहाँ हमारे माननीय हेमंत जी की पत्नी का, देखिए वो खतरे में पड़ गया है, उनके जो काम कर रहे थे चुनाव के समय में, इस तरह से एक युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री को पद से हटाते हुए जिस तरह से उन्हें जेल में डाला गया, ये उनके डर को दिखाता है। पिछली बार उन्होंने अकेले डबल इंजन की सरकार को हरा कर यहाँ सरकार बनाई थी, इस बार ऐसा ना कर पाए इसलिए उन्होंने उन्हें अंदर डाला। लेकिन रांची में जो उलगुलान महारैली हुई उसकी सफलता ये साबित करती है कि जनता, मतलब बीजेपी की जो चाल थी वो उल्टा पड़ गया है, और इस बार जनता यहाँ फिर से मन बना ली है, यहाँ तो बनेगी यहाँ हमारी सरकार, केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। शुक्रिया, थैंक यू। के न्यूज़ खबरों की नई पहचान।